नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच सुपर गेस्ट पेपर विथ टेस्ट सीरीज कार्यक्रम लेके आई हूँ। और इस सुपर गेस्ट पेपर विथ टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में मैं आप सभी को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 2016 के द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात सामान्य हिंदी के विलोम से संबंधित उन तमाम प्रश्नों को हल करवाने का प्रयास करूँगी और आप सभी से उत्तर का अपेक्षा करूंगी, जो कि परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 2016 के लिए ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन मैं लेकर आई हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रश्न को आप बहुत ही पैनी दृष्टिकोण के साथ हल करेंगे, विश्वास करिए आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और हर एक क्वेश्चन आप सभी के विकास से जुड़ा है, आप सभी के सफलता से जुड़ा है। हर क्वेश्चन को आप गंभीरता से हल करेंगे। और पहला क्वेश्चन अब आपके बीच आता है कि सत्य कथन का चयन करें। आपको इसके लिए आधा मिनट दिया जा रहा है। साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी, अर्थात 1, 3, 4 सत्य है जबकि 2 गलत है। तो आइए देखते हैं 2 क्यों गलत है। 2 इसलिए गलत है, आकाश का उल्टा पाताल तो है जबकि राजा का उल्टा राजकुमार नहीं है, बल्कि राजा का उल्टा क्या है, रंक है। ठीक है, तो ये चीज़ आप मिस्टेक नहीं करेंगे। और पहला आप देखें यहाँ पर, ये भी आपको एक बार करवा दूँ, अब शकुन का विलोम शकुन है, ठीक है, भूलिएगा नहीं, जबकि सगुण का विलोम निर्गुण है। ठीक है, अब शकुन का विलोम शकुन, सगुण का निर्गुण, आकाश का उल्टा पाताल है जबकि राजा का उल्टा आपका रंक होगा। ठीक, अंतर्मुखी का उल्टा बहिर्मुखी है जबकि उक्त का उल्टा आपका अनुक्त होगा, और अमर का विलोम मरते होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सभी को। हर एक फैक्ट आपको याद करना है इसमें। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करें निम्न विलोम शब्दों का। अब आपको इसमें सुमेलित करना है, इसके लिए आपको पुनः आधा मिनट दिया जाता है। क्वेश्चन काफ़ी लंबे लंबे मैं इसलिए बनाई हूँ ताकि आप सभी विलोम से कोई भी क्वेश्चन गलत ना करने पाए। यहाँ पर इतना क्वेश्चन हल कर लीजिए ताकि जब परीक्षा हॉल में बैठे तो कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। इसका सही उत्तर होगा साथियों ए, ठीक है, अर्थात सभी सुमेलित है, अनुरूप का प्रतिरूप। ठीक है, अनुरूप का विलोम क्या होगा, प्रतिरूप। दीर्घायु का विलोम क्या होगा, अल्पायु। तीसरा का विलोम क्या होगा, बीतीसरा। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, अनुकूल। सृष्टि का विलोम क्या होगा, प्रलय। सहचर्य का विलोम क्या होगा, अलगाव। विराट का विलोम क्या होगा, क्षुद्र। ठीक है, इसी प्रकार आपका ये स्पृश्य का क्या होगा, विलोम अस्पृश्य। हर एक विलोम को आप ढंग से देख लीजिए, ये हो सकता है प्रतिरूप का पूछ दे तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका अनुरूप। अल्पायु का पूछ दे विलोम तो दीर्घायु होगा, मतलब उल्टा सीधा किसी भी तरह पूछा जा सकता है। आप ज़रूर हर एक विलोम को याद करेंगे क्योंकि यहाँ पे उन्हीं विलोम को लाया गया है जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है साथियों। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसको भी आप सुमेलित करिए विलोम को।
क्वेश्चन लंबे इसलिए दिए गए हैं ये सब, ताकि आप एक जगह इसको याद कर लें, क्योंकि ये मात्र एक टेस्ट सीरीज नहीं है बल्कि सुपर गेस पेपर के रूप में आप सभी के बीच ये क्वेश्चन लाए गए हैं, और जिसका उद्देश्य है आप सभी को फ़ायदा दिलाना। इसका सही उत्तर होगा साथियों बी, ठीक है, अर्थात ये भी सारे सुमेलित हैं। अर्थात यहाँ देखिए, अनंत का शांत होगा, अनंत का विलोम क्या होगा, शांत होगा, उपेक्षा का विलोम क्या होगा, अपेक्षा होगा, शुष्क का विलोम क्या होगा, आर्द्र होगा, संपन्न का क्या होगा विलोम, विपन्न होगा, पुरस्कार का विलोम क्या होगा, तिरस्कार होगा, हर्ष का विलोम क्या होगा, हर्ष का दीर्घ होगा, तरुण का विलोम क्या होगा, वृद्ध होगा, नूतन का विलोम क्या होगा, पुरातन होगा, कीर्ति का विलोम क्या होगा, अपकीर्ति होगा। एक तरह से आप देखिए नौ दुनिया 18 विलोम आप तैयार कर लिए, ठीक है। भूलिएगा बिल्कुल ही, अनंत का शांत, उपेक्षा का अपेक्षा, शुष्क का आर्द्र, संपन्न का विपन्न, पुरस्कार का तिरस्कार, हस्व का दीर्घ, तरुण का वृद्ध, नूतन का पुरातन, कीर्ति का अपकीर्ति। और अब आते हैं नेक्स्ट, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में बनाए जाएंगे। जो आप लंबा क्वेश्चन मेरे द्वारा देख रहे हैं वो बस आप सभी को याद कराने के लिए लाए गए हैं, ताकि आप सभी क्वेश्चन को सही कर सकें, ठीक। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 10 सेकेंड दिया जाता है। प्रभावी का विलोम नहीं होगा अप्रयुक्त, ठीक है, प्रभावी का विलोम नहीं होगा अप्रयुक्त, जबकि ये सारे विलोम हैं उसके, प्रभावी के, अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य, ये सब विलोम है किसके, प्रभावी के, ठीक है, और अप्रयुक्त नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो ये देख लीजिए, अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य किसका हो गया, प्रभावी का, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, पाश्चात्य का विलोम होगा, पाश्चात्य का विलोम क्या होगा, उत्तर बताइए। यदि आप इसको ईमानदारी से आप हल किए तो सफलता आपके कदम चूमेंगी। टेस्ट सीरीज का ये मतलब नहीं हुआ कि आपको टेस्ट सीरीज प्रदान कर दिया जाए, ये ईमानदारी की परीक्षा है। यदि आप देश के प्रतिष्ठित सर्विस में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें, और यदि आप गंभीर हैं तो इस टेस्ट सीरीज को आप एक पेज में लेकर खटाखट उत्तर अपना लिखते जाइए, और खुद अपना आकलन कर लीजिए कि आपकी तैयारी के क्या स्तर है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हुए। चलिए अब इसका उत्तर बताते हैं, पाश्चात्य का विलोम हो जाएगा सी, अर्थात पौर सत्य, ठीक है, पौर सत्य, पाश्चात्य का विलोम क्या होगा, पौर सत्य, याद कर लीजिए, पाश्चात्य का विलोम पौर सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन करें।
इसका उत्तर होगा साथियों बी, ठीक है, यानी अपेक्षा का विलोम उपेक्षा हुआ, ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक। और आपका ये आवृत्त का विलोम अनावृत हुआ, यानी कि ये भी सत्य है, दोनों सत्य, ठीक है। जागृत का विलोम क्या होगा, सुस्त होगा, यानी कि ये भी सत्य है, ठीक है। उपचय का विलोम क्या होगा, अपचय होगा, यानी कि ये भी सत्य है। और भ्रांत का विलोम साथियों विश्रांत नहीं होगा, बल्कि इसका होगा निभ्रांत, ठीक है। भ्रांत का विलोम यहाँ पे देखिए, निभ्रांत होगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, भ्रांत का विलोम निभ्रांत होगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, उपेक्षा का अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, आवृत्त का विलोम अनावृत, जागृत का विलोम सुप्त, उपचय का विलोम अपचय, भ्रांत का विलोम निभ्रांत, ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन पुनः सुमेलित करने के लिए आपको दिया जा रहा है, सुमेलित करिए। लंबे इसलिए दिए गए हैं ये क्वेश्चन ताकि आपके कम से कम 20 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से तैयार हो जाए। आप देख रहे हैं 11-11 हैं, 11-22 क्वेश्चन आपके नंबर 7 से क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। आपको इसके लिए एक मिनट दिया जाता है, इसे बढ़िया से हल करिए साथियों, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेज ज़रूर रख लीजिए अपने पास, ये टेस्ट सीरीज बस आपकी ईमानदारी के लिए लिया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, पेन पेज ले लीजिए, स्वयं में आप हल करिए। परीक्षा हॉल में काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, चार चार के बस सुमेलित करने के लिए पूछे जाते हैं यहाँ पे, बस आप सभी की सुविधाओं के लिए, ताकि आप सभी हर एक फैक्ट को याद कर ले। इसका आंसर होगा साथियों सी, यानी 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो अब देखिए किसका क्या होगा, अथ का क्या होगा, अथ का विलोम इति होगा, ठीक है, अथ का विलोम इति होगा। विज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ होगा, ओके। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ होगा, ठीक ठीक है। और अज्ञ का क्या होगा, विज्ञ होगा। मिस्टेक कई लोग यहाँ कर देते हैं, अनभिज्ञ का देखिए, अनभिज्ञ का क्या लिखा है, अभिज्ञ है, जबकि अज्ञ का क्या है, विज्ञ है, तो इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। संकीर्ण का क्या हो जाएगा, विस्तृत। अनुरक्ति का क्या हो जाएगा, विरक्ति। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। ध्यान दीजिए, कृतज्ञ अर्थात मैं आपके एहसान मंद हूँ, अर्थात आपके किए गए उपकार को मैं मानती हूँ, उसको कृतज्ञ कहते हैं। और जो किए गए उपकार को नहीं मानते हैं उसको कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, कई लोगों को इसमें मिस्टेक हो जाता है। तो कृतज्ञ का जस्ट उल्टा क्या हो गया, कृतज्ञ। सौम्य का उल्टा क्या हो जाएगा, उग्र, ठीक है, सौम्य का उल्टा उग्र हो जाएगा। जबकि विग्रह का उल्टा क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा, ठीक है। विग्रह का उल्टा क्या हो जाएगा, अर्थात विलोम क्या हो जाएगा, संधि। जबकि सापेक्ष का विलोम हो जाएगा निरपेक्ष, ठीक है। और अनुरक्त का क्या हो जाएगा, विरक्त, ठीक है। कहीं से कोई मिस्टेक, आप यदि उतारना चाहे तो उतार लीजिए, हर एक विलोम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, अथ का इति, विज्ञ का अज्ञ, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, ठीक, अज्ञ का विज्ञ, संकीर्ण का विस्तृत, अनुरक्ति का विरक्ति, कृतज्ञ का कृतज्ञ, सौम्य का उग्र, विग्रह का संधि, सापेक्ष का निरपेक्ष, अनुरक्त का विरक्त, ठीक। अब चलते हैं आठवें नंबर पर, आठवां क्वेश्चन देखते हैं।
आठवां क्वेश्चन छोटा दिया गया था कि आप आराम से कर ले। इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में पूछे जाएंगे। बहुत कम ही क्वेश्चन लंबे लंबे पूछे जाते हैं। समास का विलोम नहीं होगा। साथियों इसका सही उत्तर होगा, समास का विलोम नहीं होगा, संग्रह। ठीक है, समास का विलोम क्या होगा? व्यास होगा, विग्रह होगा और खंड होगा, और संग्रह नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए समास का विलोम कौन कौन सा है। व्यास है, विग्रह है और खंड है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। यथार्थ का विलोम है, यथार्थ का विलोम है। इसका उत्तर होगा साथियों सी, अर्थात कृत्रिम। यथार्थ का विलोम कृत्रिम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, पहचानिए कि कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ये बी सी डी। यहाँ पे दो मैं एक्स्ट्रा इसलिए दी हूँ ताकि आप सभी याद कर सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। स्टेज सीरीज के माध्यम से मेरा टारगेट है आप लोगों को 1000 क्वेश्चन तैयार करवाना। तो साथियों आप देख लिए होंगे कि कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों बी, जो युग्म है ये त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, ओके, जबकि ये सब त्रुटिपूर्ण नहीं है। अपेक्षा का क्या होगा? उपेक्षा। आदान का क्या होगा? प्रदान। अग्रज का क्या होगा? अनुज। सृजन का क्या होगा? संहार। साधु का क्या होगा? असाधु। याद कर लीजिए, अपेक्षा का उपेक्षा, आदान का प्रदान, अग्रज का अनुज, सृजन का संहार, साधु का असाधु। उन्नत का आपको पता ही है, जो गलत बताया उसका। अब आइए, ये निम्न कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, इसमें भी आप त्रुटिपूर्ण को पहचानिए। आराम से करिए क्वेश्चन, कोई जल्दीबाजी मत करिए। हर क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही एग्ज़ाम का कम समय रह गया है। हर एक क्वेश्चन आपको इसमें याद होने चाहिए क्योंकि ये वे प्रश्नों का संचयन है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हर एक विद्यार्थियों के याद होना चाहिए जो भी परीक्षा के प्रति गंभीर हैं। इसका हो जाएगा साथियों ए। ठीक है, बर्बर का उल्टा होगा सभ्य। ठीक है, जबकि ये जो तीन अन्य हैं, ध्वस्त का विलोम निर्माण, पुष्ट का विलोम छीड़, गुड़ का विलोम दोष। ठीक है, और बर्बर का क्या हो जाएगा आपका? बर्बर का सभ्य विलोम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चारों को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं ऋजु का विलोम होगा। ऋजु का विलोम कौन सा है इसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों वक्र। ठीक है, ऋजु का विलोम वक्र होगा। ठीक है, याद कर लीजिए ऋजु का विलोम वक्र होगा, वक्र। ठीक, अब आते हैं 13। नीचे युग्म त्रुटिपूर्ण है, पहचानिए।
इसका उत्तर होगा ए। ठीक है, ये त्रुटिपूर्ण है, बाकी सही है। जड़ का विलोम क्या हो जाएगा? चेतन। अनंत का विलोम क्या हो जाएगा? शांत। आकृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? विकृष्ट। इनको याद कर लीजिए, अनंत का शांत, आकृष्ट का विकृष्ट, जड़ का चेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोग का विलोम क्या है? संयोग का विलोम क्या है? इसका सही आंसर होगा ए, वियोग। संयोग का विलोम वियोग होगा। ठीक है, अब आप ये देखिए, निम्न में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, इसका आप चयन करें। इसका उत्तर होगा ई। ठीक है, आमिष और सामिष दोनों का विलोम निरामिष होगा। ठीक है, इन दोनों का विलोम क्या होगा? निरामिष होगा। ठीक है, निरामिष। ठीक, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये खुद दोनों एक ही पर्याय हैं। ठीक है, आमिष सामिष, इसलिए इन दोनों का विलोम क्या हो जाएगा? निरामिष। ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसमें। यहाँ देखिए, और ये बाकी का भी मैं आपको तैयार करवा देती हूँ। आकलन का विलोम विकलन, विनत का उद्धत, आधार का आधेय, विपत्ति का संपत्ति। कहीं से मिस्टेक नहीं होना चाहिए साथियों। और आमिष और सामिष का विलोम हो गया निरामिष। ये आप इसमें आपको 2, 4, 6, 8, 10 क्वेश्चन तैयार करा दिए गए। ठीक, सत्य कथन का चयन करें। अब इसमें आप सत्य कथन को देखिए, कौन से कथन सत्य हैं। अब देखिए इसका क्या है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। पहला क्यों सही है? स्वजाति का विलोम बी जाति है, जबकि इप्सित का अनिप्सित है। ठीक है, यानी स्वजाति का विलोम बी जाति, इप्सित का अनिप्सित, ये सत्य है। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम है। ठीक है, परिश्रम का विलोम विश्राम है, जबकि आपका बद्ध का मुक्त होगा। ठीक है, परिश्रम का विश्राम, बद्ध का मुक्त होगा, जबकि गमन का आगमन विलोम होगा। ठीक है, न कि निर्गम होगा। ठीक है, जबकि गौरव का लाघव तो सत्य है, ये वाला सत्य है, लेकिन गमन का निर्गम की जगह पे क्या होगा? आगमन विलोम होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हर याद कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। श्री गणेश का विलोम होगा, श्री गणेश का विलोम होगा। इस क्वेश्चन में बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ए, इतिश्री। ठीक है, श्री गणेश का विलोम इतिश्री होगा। और उन्मीलन का विलोम होगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात नी मिलन। ठीक है, अब 19 क्वेश्चन अब आपके सामने आया, सही युग्म का चयन करें। इसमें से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों
बी मधुर का क्या हो जाएगा, कटु, मधु का विलोम कटु हो जाएगा, ठीक है। जबकि निंदा का क्या होगा, स्तुति होगी, ठीक है, निंदा की स्तुति होगी, ओके। और तिमिर का क्या होगा, तिमिर का आलोक होगा, ठीक है। और उदात का क्या होगा, अनुदात होगा, ठीक। फिर से सुनिए, निंदा का स्तुति होगी, ठीक है, निंदा का स्तुति, तिमिर का आलोक, उदात का अनुदात, जबकि मधुर का कटुर, ये वाला चीज़ है वो सत्य है, ठीक है। कहीं से कोई मिस्टेक जरूर याद कर लीजिएगा, कहीं से एक क्वेश्चन आपका इसमें से गलत नहीं होना चाहिए। सामान्य का विलोम होगा, सामान्य का विलोम होगा। सामान्य का विलोम विशिष्ट होगा, ठीक है, सामान्य का विलोम विशिष्ट होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, सत्य युग्म नहीं है, इसमें भी आप सत्य युग्म का चयन करें। परीक्षा में इतने लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे साथियों, छोटे छोटे आएंगे, लेकिन मैं आपको बस याद कराने के लिए ये लंबे लंबे क्वेश्चन ला रही हूँ, ताकि आप सभी हर एक क्वेश्चन को सही कर सकें। इस वजह से समय भी लग रहा है। इक्कीस का देखिए, सुमेलित नहीं है अर्थात सही नहीं है, ई, ठीक है, बाकी सही है। देखिए ऋणात्मक का विलोम क्या होगा, धनात्मक हो जा रहा है, ठीक है। निषिद्ध का विलोम क्या हो जा रहा है, विहित हो जा रहा है। प्रसारण का विलोम क्या हो जा रहा है, संकुचन, ठीक है। ऐसे परमार्थ का विलोम स्वार्थ हो गया, जबकि प्रवेश का निवेश नहीं होगा, प्रवेश का निकास होगा, ठीक है, प्रवेश का क्या होगा, निकास होगा, ठीक, याद कर लीजिए ये भी। अब आइए पंडित का विलोम बताइए, ये यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा साथियों मूर्ख, पंडित का विलोम मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। अब 23वां क्वेश्चन, सही युग्म कौन सा नहीं है, फटाफट हल करिए इसको। हर एक प्रश्न आपको याद होने चाहिए जितने मैं फैक्ट लाई हूँ, बहुत परिश्रम करना पड़ा इन सारे क्वेश्चन को एक जगह लाने के लिए। इसका उत्तर होगा साथियों सही नहीं है मुख्य, मुख्य का क्या हो जाएगा, गौड़ होगा, मुख्य का विलोम क्या होगा, गौड़ होगा, ठीक है। जबकि असली का सही है नकली, ठीक है। उत्कर्ष का अपकर्ष है, विधवा का सधवा है, कपटी का कपटी हो गया, ठीक है। कहीं से कोई मिस्टेक, 10 आपके विलोम यहाँ पे कंप्लीट हो गए। सुशील का विलोम बताइए। सुशील का विलोम उत्तर होगा सी, दुश्लील, ठीक है, दुश्लील। नेक्स्ट, सही सुमेलित करें, फटाफट सुमेलित करिए।
इसका उत्तर हो जाएगा साथियों डी। ठीक है, देखिए प्रवृत्ति का आपका 3 निवृत्ति हो गया, प्रवृत्ति का निवृत्ति, सुशील का तुसलील, कुसुम का पाहन पत्थर। ठीक है, कुसुम का पाहन भी हो जाएगा और पत्थर भी हो जाएगा। ठीक है, अर्पित का हो जाएगा गृहित। ठीक है, उन्मुख का क्या हो जाएगा विमुख। ओके, अब आइए नेक्स्ट, सही युग्म नहीं है, फटाफट 15 सेकेंड में उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों एफ, उपादेय का अनुपादेय होगा, न कि उपादेय होगा, उपादेय का विलोम अनुपादेय। ये देखिए अनुपादेय, ठीक है, उपादेय का विलोम अनुपादेय होगा, जबकि बाकी जितने दिए गए सही है। जोड़ का घटाव होगा, उपचार का अनुपचार होगा, तृष्णा का वितृष्णा होगा, थोक का फुटकर होगा, हार्स का वृद्धि होगा। ठीक है, और उपादेय का अनुपादेय होगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा का विलोम क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा साथियों ए, परमात्मा, आत्मा का विलोम परमात्मा होगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, ग्रस्त का विलोम क्या होगा। इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर बी होगा, ग्रस्त का मुक्त होगा। ठीक है, ग्रस्त का मुक्त। अब सही युग्म चयन करें, स्मरण विस्मरण, सूक्ष्म बड़ा, प्रधान गुणांत, विशेष सामान्यता, बताइए सही युग्म कौन सा है। चलिए इसका भी उत्तर मैं आपको बता ही देती हूँ, सही युग्म है आपका, सही युग्म है क्या ए, स्मरण का विस्मरण होगा, जबकि सूक्ष्म का क्या होगा, सूक्ष्म का स्थूल होगा न कि बड़ा, प्रधान का गौड़ होगा न कि गौड़वान्वित होगा। ठीक है, विशेष का शेष होगा न कि सामान्यता होगा, विशेष का शेष होगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग्म है, सही युग्म है बताइए। सही युग्म नहीं है, 30 का मैं पूछ रही हूँ, सही युग्म नहीं है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, अर्थात ये जो युग्म है गलत है। अवनी का विलोम क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। अवनी का विलोम क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। ठीक है, जबकि तरड़ी का क्या हो जाएगा विलोम, नदी। ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक, यहाँ पे आपके 4 विलोम कंप्लीट, अवनी के, अंबर, तरड़ी के, नदी, और जबकि ये बाकी जो है अपव्यय का मितव्यय, कृष का पुष्ट, ततस्थ का आसक्त, सही विलोम है। ठीक है, अव्यय का विलोम मितव्यय होगा, कृष का पुष्ट होगा, ततस्थ का आसक्त होगा। अब अतिवृष्टि का विलोम बता दीजिए, ये भी UPSC का फेवरेट क्वेश्चन है। अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, उदयाचल का विलोम क्या होगा। उदयाचल का विलोम अस्ताचल होगा। ठीक है, उदयाचल का विलोम अस्ताचल होगा, जबकि ग्रह का त्याज्य होगा, गुरु का
लघु होगा, पुरातन का नूतन होगा। सुन लीजिए, ग्रह का त्याज्य होगा। ठीक, ग्रह का त्याज्य, पुरातन का नूतन होगा। ठीक है, गुरु क्या कर, गुरु का हो गया ये लघु। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, आवर्तक का विलोम बना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बनाइए। इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए, आवर्तक का विवर्तक, साथ में अनावर्तक भी हो जाएगा। ठीक है, आवर्तक का दो विलोम है, विवर्तक और अनावर्तक। ठीक है, तो याद होने चाहिए आपको। अब आते हैं चौथीसवें क्वेश्चन पे, अवार्चिन का विलोम क्या हो जाएगा। फटाफट करिए, अवार्चिन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। ठीक है, अवार्चिन का विलोम क्या होगा, प्राचीन। और जबकि पोषक का क्या होगा, शोषक। पोषक का शोषक होगा, तिरस्कार का स्वागत होगा। ठीक है, तिरस्कार का स्वागत हो जाएगा। ठीक, याद कर लीजिए, ये भी दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, सही युग्म है, बताइए फटाफट सही युग्म को। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ए, दुर्गम का सुगम। सही है, ठीक है, जबकि आपका कल्पित का क्या हो जाएगा, यथार्थ। ठीक है, कल्पित का क्या हो जाएगा, यथार्थ। और अनाहुत का क्या हो जाएगा, आहुत। एकाग्र का क्या हो जाएगा, चंचल। ठीक है, कल्पित का यथार्थ, अनाहुत का आहुत, एकाग्र का चंचल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, सही सुमेलित करें, फटाफट सही सुमेलित करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ए। ठीक है, ये देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। कैसे, असीम का ससीम, क्षणिक का शाश्वत। ठीक है, दृश्य का अदृश्य, सहयोगी का प्रतियोगी। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं 37वां क्वेश्चन, फटाफट, सही युग्म नहीं है, तुरंत बताइए सही युग्म कौन सा नहीं है। पूरा क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, किसी भी तरह प्रारंभिक परीक्षा में आप सफल होइए, मुख्य परीक्षा में मैं इतना आप लोगों को पत्राचार, निबंध, जीएस वगैरह में मजबूत कर दूंगी, और हिंदी में कि डेफिनेटली आप लोग बेहतर रैंक भी पाएंगे सफलता के साथ साथ। आप पूरा क्वेश्चन लेकिन इसको याद करते चलें। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों डी। ठीक है, अर्थात सही युग्म कौन सा नहीं है, बस पाँच। ठीक है, क्योंकि निद्रा का उल्टा क्या हो जाएगा, अनिद्रा हो जाएगा। निद्रा का उल्टा क्या हो जाएगा, अनिद्रा। ठीक है, बाकी सत्य, संगठन का विघटन, आरोह का अवरोह, सत्याग्रह का दुराग्रह, अनुग्रह का विग्रह, तेजस्वी का निस्तेज। ठीक है, फिर से देखिए, संगठन का विघटन, आरोह का अवरोह, ठीक, सत्याग्रह का दुराग्रह, अनुग्रह का विग्रह, तेजस्वी का निस्तेज, निद्रा का अनिद्रा। ओके, 38 देखिए, आद्र का विलोम होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है।
आर्द्र का विलोम इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर हो जाएगा साथियों अनाद्र। ठीक है, आर्द्र का विलोम अनाद्र हो जाएगा। अब बताइए श्रोता का विलोम बता दीजिए। श्रोता का विलोम वक्ता। ठीक है, श्रोता का विलोम वक्ता, भूलना नहीं है आपको। अब आइए, बस अब करीब में हैं हम लोग, 40 क्वेश्चन पे आ गए, अब मात्र 20 क्वेश्चन और बच गए। सुमेलित कर दीजिए फटाफट इसको भी। आप देखिए कितने क्वेश्चन आपके इससे तैयार हो जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं इससे, फटाफट याद कर लीजिए साथियों। इसका सही आंसर मैं बता ही देती हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ए। ठीक है, मानवीय का अमानवीय। ठीक है, मानवीय का अमानवीय, चेतन का अचेतन, ठीक, उपमान का उपमेय, आकर्षण का विकर्षण, अनुनासिक का निर्नुनासिक। ठीक है, फिर से देख लीजिए आप, बड़े में कर देती हूँ ताकि आप मिस्टेक आपको ना हो। मान्य का देखिए अमान्य, चेतन का अचेतन, उपमान का देखिए उपमेय, आकर्षण का विकर्षण, अनुनासिक का निर्नुनासिक। हर एक याद होने चाहिए क्वेश्चन, ये भी आ जाएगा कि मान्य का मानवीय का उल्टा क्या हुआ, मतलब विलोम क्या हुआ, चेतन का विलोम क्या हुआ, उपमान का विलोम क्या हुआ, आकर्षण का विलोम क्या हुआ, अनुनासिक का विलोम क्या हुआ, या ये पूछ दे उपमेय का विलोम क्या हुआ, विकर्षण का विलोम क्या हुआ, अमानिया का विलोम क्या हुआ, चेतन का विलोम क्या हुआ, निर्णय। अर्थात ये 10 क्वेश्चन है आपके, तैयार जरूर करिए, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब आते हैं 41 पर, बहुत करीब है हम लोग क्वेश्चन हल करने में। अब मग्न का विलोम फटाफट बताइए आप, मग्न का क्या होगा, इसका भी मैं ही बता देती हूँ। मग्न का उत्तर डी होगा दुखी। ठीक है, मग्न का उल्टा होगा दुखी। हर क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिए, क्योंकि ये सेल्फ टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए कराया जा रहा है, ताकि आप जब भी मन करे, जब भी आपको समय मिले, आप आराम से अवश्य ही अनिवार्य रूप से इस टेस्ट सीरीज को करिए। और अंत में मैं आपको टिप्स बताऊंगी ये सारे क्वेश्चन याद करने के। ठीक है, मग्न का विलोम होगा दुखी। ठीक है, जबकि सुख का क्या हो जाएगा बताइए, दुख का क्या हो जाएगा, सुख। ठीक है, प्रसन्न का खुश हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 42 पे फटाफट, सही युग्म कौन सा नहीं है फटाफट बताइए। देखिए एफ होगा इसका, अनाथ का परनाथ नहीं होगा, अनाथ का सनाथ होगा, अनाथ का परनाथ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा ये देखिए, सनाथ होगा। ठीक है, बाकी जो युग्म है ठीक है सही है। अर्थात देखिए स्थावर का जंगम होगा, मौन का मुखुर होगा, गरिमा का एज इट इज आपका लघिमा होगा, शाश्वत का क्षणिक होगा, संपन्न का विपन्न होगा, और अनाथ का सनाथ होगा, न कि परनाथ होगा। ठीक है, क्लियर। अब बता दीजिए भूषण का विलोम क्या होगा। भूषण का विलोम बहुत इजी है, अब पूरा उम्मीद है कि आप जरूर सही करेंगे। भूषण का विलोम दूषण होगा, अर्थात आंसर बी होगा। ठीक है, भूषण का विलोम दूषण होगा, जबकि सृष्टि का क्या होगा, प्रलय होगा, सृष्टि का प्रलय होगा, दानव का मानव होगा, दानव का मानव होगा, पोषक का शोषक होगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, सृष्टि का प्रलय, दानव का मानव, पोषक का शोषक, और दूषण का विलोम क्या हो गया, भूषण। ठीक है, अब आइए विपत्ति का विलोम क्या होगा, विपत्ति का विलोम क्या होगा,
विपत्ति का विलोम डी होगा अर्थात संपत्ति, विपत्ति का संपत्ति होगा। जबकि विराग का क्या होगा, अनुराग होगा, विराग का अनुराग होगा, विराग का अनुराग होगा। ठीक है, वाम का क्या होगा, दक्षिण होगा, वाम का दक्षिण होगा। और सलज्ज का क्या होगा, निर्लज्ज, सलज्ज का निर्लज्ज, पूरा याद कर लीजिएगा। 45वां देख लीजिए, अर्पण का विलोम बता दीजिए। बहुत ईजी है साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सही बताएंगे अर्पण का, सही आप लगाए होंगे, पूरा विश्वास है। अर्पण का ग्रहणी आप लगाए होंगे, अर्थात आंसर ए लगाए होंगे। ठीक है, आप जान लेते हैं इन लोगों का, इन सब का क्या क्या विलोम है। रुक्ष का विलोम क्या हो गया, मृदुल, रुक्ष का विलोम मृदुल हो गया। खास का विलोम आम हो गया, खास का आम हो गया। स्थैर्य का चांचल्य हो गया, अर्थात चांचल्य हो गया, स्थैर्य का चांचल्य हो गया। रुक्ष का मृदुल, ठीक है, खास का आम, स्थैर्य का चांचल्य, ठीक है। अब आइए स्वकिया का विलोम क्या होगा, स्वकिया का विलोम क्या होगा, बताइए फटाक से। स्वकिया का विलोम क्या होगा, इसका भी उत्तर आप जरूर सही दिए होंगे। स्वकिया का विलोम साथियों पर किया होगा, ठीक है, अर्थात आप जो आंसर दिए आप सही दिए हैं। और बाकी का जान लेते हैं। गृहस्थ का क्या हो जाएगा, गृहस्थ का सन्यासी हो जाएगा, ठीक है। अपकर्ष का क्या हो जाएगा, उत्कर्ष होगा। और मितव्ययी का क्या होगा, अपव्ययी होगा, ठीक है। पर किया किसका हो गया, स्वकिया, गृहस्थ का सन्यासी, अपकर्ष का उत्कर्ष, मितव्ययी का अपव्ययी। अब आइए 47वें पे, सही युग्म है, फटाफट उत्तर बताइए। ये क्वेश्चन सही युग्म हम नहीं पूछ रहे हैं, भूल से लिख दिया गया, सही युग्म नहीं है इसका, बताइए सही युग्म नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही युग्म नहीं है विलोम का, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपका सी, लजीला का बेशर्म होगा, न कि शर्मसार होगा, ठीक है। ये लोग का परलोक विलोम ठीक है, प्रफुल्ल का म्लान हो जाएगा, सुमति का कुमति हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, औदार्य का विलोम होगा, औदार्य का विलोम होगा, फटाफट उत्तर दीजिए, औदार्य का विलोम होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनौदार्य, ठीक है। औदार्य का विलोम अनौदार्य होगा। जबकि गौड़ का मुख्य हो जाएगा, अकिंचन का धनवान हो जाएगा, और क्षुद्र का महान हो जाएगा। फिर से सुनिए, गौड़ का मुख्य होगा, अकिंचन का धनवान होगा, क्षुद्र का महान होगा, और जबकि अनौदार्य का औदार्य हो गया, ठीक है। अब आते हैं 49, समास का विलोम बता दीजिए आप, ये तो आप जरूर बता देंगे। इसका आंसर हो जाएगा साथियों समास का विलोम व्यास, ठीक है, समास का विलोम व्यास हो जाएगा। जबकि सार्वजनिक का निजी हो जाएगा, विरक्ति का आपका अनुरक्ति हो जाएगा, अकृष्काय का आपका स्थूलकाय होगा। ये भी जो चारों हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे व्यास का विलोम, तो आप समास लगा दीजिएगा, ठीक है। विरक्ति का तो अनुरक्ति, कृषकाय का स्थूल काय, ठीक है, सार्वजनिक का निजी, ठीक। अब आते हैं 50 क्वेश्चन, संकीर्णता का विलोम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साथियों डी, उदारता, ठीक है, संकीर्णता का विलोम उदारता। जबकि अनुपादेय का क्या हो जाएगा, उपादेय, अनुपादेय का क्या हो जाएगा, उपादेय। जबकि गौड़ का हो जाएगा गौड़ का विलोम हो जाएगा मुख्य, ठीक है, और जबकि खुला का आपका बंद हो जाएगा। ओके, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं ना, याद जरूर करिए।
अब आपके 10 क्वेश्चन और बच गए। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, फटाफट उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा साथियों ई, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ई। विकास का विलोम समास नहीं होगा बल्कि विकास का होगा ह्रास, ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक। और जबकि सारे सही है, कृष का स्थूल, महान का तुच्छ, धनवान का किंचन, उद्धत का विनित, ठीक है। अब आइए 52 क्वेश्चन, अनागत का विलोम होगा, फटाफट उत्तर बताइए अनागत का। इसका उत्तर होगा इसमें से कोई नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अनागत का आगत होगा, ठीक है, ओके, ठीक, आगत होगा, अनागत का आगत होगा, मिस्टेक मत करिएगा, ठीक। अब देखिए बाकी का देख लेते हैं, निरपेक्ष का सापेक्ष होगा, ठीक है, निरपेक्ष का सापेक्ष होगा, और अग्रज का अनुज होगा, लघुता का गुरु होगा, भूलिएगा मत बिल्कुल, ठीक है। निरपेक्ष का क्या होगा, सापेक्ष, अग्रज का अनुज, लघुता का गुरुता, ठीक है। अब आते 53, सशक्त का विलोम क्या होगा, सशक्त का विलोम फटाफट बताइए। सशक्त का विलोम, समय निकल रहा है साथियों, जल्दी जल्दी बताइए, सशक्त का विलोम इसका हो जाएगा सी, असक्त, ठीक है, सशक्त का विलोम आपका असक्त होगा। बाकी का भी देख लेते हैं, आपका अक्षर का क्षर हो जाएगा, अक्षर का क्षर हो जाएगा, अक्षड़ का भद्र हो जाएगा, मुखर का गंभीर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करिए इसको। इसका आंसर हो जाएगा साथियों सी, ठीक है। देखिए, आविभाव का तिरोभाव, मिथ्या का सत्य, भौतिकवाद का अध्यात्मवाद, निरत का विरत, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, सही युग्म नहीं है, फटाफट बताइए सही युग्म कौन सा नहीं है। सोलह क्वेश्चन आपके इसमें तैयार हो रहे हैं साथियों। सही युग्म नहीं है एच, ठीक है, क्योंकि संयोग का विलोम क्या होगा, वियोग, और स्थूल का क्या होगा, सूक्ष्म, ठीक है, संयोग का वियोग होगा, स्थूल का सूक्ष्म होगा, बाकी सही है, अर्थात निसार का विलोम संसार होगा, तांडव का लास्य होगा विलोम, सदय का निर्दय होगा, सामिस का निरामिस होगा, ठीक है, और आपका व्यय का आय होगा, सुदासिक्त का विषाक्त तो हो जाएगा, यौवन का जरा हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, विख्यात का विलोम होगा, विख्यात का विलोम, विख्यात का विलोम होगा कुख्यात, ठीक है, विख्यात का विलोम कुख्यात होगा, और जबकि धृष्ट का क्या हो जाएगा, विनित हो जाएगा, कटु का मृदु हो जाएगा, नीरस का सरस हो जाएगा, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गत्यात्मक का विलोम बता दीजिए फटाफट। इसका उत्तर हो जाएगा स्थिर, ठीक है, गत्यात्मक का विलोम स्थिर हो जाएगा, ठीक है, जबकि हलाहल का क्या हो जाएगा, सुधा, ठीक है, हलाहल का विलोम क्या हो जाएगा, सुधा हो जाएगा, और जबकि आपका स्थूल का क्या हो जाएगा, तन्वी, ठीक है, स्थूल का तन्वी, ठीक।
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मंथर का विलोम बता दीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा साथियों सी, मंथर का तीव्र, ठीक है, ओके, मंथर का सी, ठीक है। अनायास का देख लीजिए क्या होगा, अनायास का उल्टा सायास हो जाएगा, ठीक है, अनायास का सायास हो जाएगा। निष्ठुर का करुण हो जाएगा और औनत का उन्नत हो जाएगा, औनत का उन्नत हो जाएगा, ठीक। अब बताइए, सुमेलित करें फटाफट इसको भी, फिर लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा साथियों सी, ठीक है, ठीक। जड़ का, ठीक, नहीं सी नहीं होगा, इसका होगा ए, ठीक है। जड़ का चेतन, सम्मुख का विमुख, संक्षेपण का विस्तारीकरण, त्रिकुटी का भ्रिकुटी, ठीक है, जस्ट अपोजिट है। फिर से याद कर लीजिए, जड़ का चेतन, सम्मुख का विमुख, संक्षेपण का विस्तारीकरण और त्रिकुटी का भ्रिकुटी, ठीक है। अब आइए इसका बताइए विलोम, कुरूप का विलोम क्या होगा। कुरूप का विलोम स्वरूप होगा, ठीक है, और परकिया का स्वकीय, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप 60 क्वेश्चन आज हल कर लिए, ठीक, और ये 60 क्वेश्चन सुपर गेस पेपर के रूप में आप सभी को उपलब्ध कराया गया है। आप सभी को ये मार्ग प्रदान करेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, युग्मों के माध्यम से, चार विकल्पों के माध्यम से, सुमेल के माध्यम से। आप सभी अवश्य ये सारे जितने प्रश्न यहाँ पर बनाए गए हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा, और आप अवश्य प्लेलिस्ट में जाइए, जो मार्गदर्शन का क्लासेस है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोगों के बीच अब मैं मल्टी विटामिन कैप्सूल क्लासेस सामान्य हिंदी समीक्षा अधिकारी विशेषांक के रूप में आप सभी के लिए ला रही हूँ, उसको आप ज़रूर उस क्लास को देख लीजिएगा। निश्चित रूप से आप सभी बहुत ही फ़ायदे में रहेंगे और बेस्ट से बेस्ट आप लोग का प्रदर्शन रहेगा। आपको मैं फिर बता रही हूँ, मल्टी विटामिन टैबलेट क्लासेस जो सामान्य हिंदी के लिए लाया जा रहा है, जिसमें ये 6 टॉपिक को सबसे पहले कवर किया जाना है, आप ज़रूर उसको एक बार नहीं 3 से 4 बार उस क्लास को कर लीजिएगा, ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। और साथियों, ये टेस्ट सीरीज आपको हर एक टॉपिक को कवर कराने के लिए लाया गया है, ठीक है। जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज होगा उसके बारे में मैं आपको शीघ्र बताऊंगी कि किस टॉपिक पे लाया जाना है। वैसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी है विशेष विशेषण पर ही लाया जाए, बल्कि विशेष विशेषण ही अगले शनिवार को विशेष विशेषण से संबंधित टेस्ट सीरीज ही लाया जा रहा है। और आप पूरा तैयारी करिए और तैयारी करके इस टेस्ट को ज्वाइन करके अपना खुद से सेल्फ से आप इसको हल करें। आप देखिए, ये परीक्षा हमारी ईमानदारी के लिए है। जब तक आप स्वयं में बेहतर फील नहीं करेंगे, मान लीजिए आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ बेहतर प्रदर्शन क्या किए क्या नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं है। आपका बेहतर प्रदर्शन एकमात्र कहाँ पर होना चाहिए, परीक्षा हॉल में होना चाहिए, ठीक। इसलिए मेरे ख्याल से आप सभी सेल्फ टेस्ट सीरीज को ही ज्वाइन करें, खुद से अपने आप को परखें कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है, ठीक है। और जो भी ये मैं आज क्वेश्चन आप सभी के बीच लाई हूँ, वो भूल के भी कोई क्वेश्चन भूलिएगा नहीं, ठीक है। जरूर हर क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने के, ठीक है। और जो मेरे द्वारा मल्टी विटामिन टैबलेट क्लासेस सामान्य हिंदी के लिए लाया जा रहा है, वो तो आप पूरे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और पूरा भरोसा है
कि आप निराश नहीं होंगे उस क्लास से, और स्पेशल आप लोग के लिए ही लाया जा रहा है। ठीक, तो साथियों कैसा आज का टेस्ट सीरीज लगा आप अवश्य बताइएगा। इसी के साथ मैं इस आशा के साथ विदा लेती हूँ आप सभी से कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल हो। मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ, नमस्कार।